जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का, पुलिस अपने इन गुरुतर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने खेल नीति भी बनाई, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं।